सारनाथ की तरफ से गाजीपुर के कोर्ट में। अगला मैच आजमगढ़ वर्सेज आर्यन अकेडमी और बहुत ही जबरदस्त और बोनस प्लस टू चार पॉइंट सारनाथ वाराणसी के लिए चार पॉइंट पहले ही रेड पे जबरदस्त रेड थे। अब 10 नंबर की जर्सी में लंबे कट करे गाजीपुर की तरफ से सारनाथ वाराणसी के पाले में और पहले स्वागत कर दिया कि भैया आप जाइए कोर्ट में बाहर है पीछे इंतजार करिए सनसनी फैला दिया है बना जबरदस्त 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 शुरू है सारनाथ वाराणसी की तरफ से। लेकिन मुझे पता है इस मैच का पहला जबरदस्त रेडर बाहर गाजीपुर की तरफ से तो शेष क्या जबरदस्त शुरुआत की है सारनाथ वाराणसी ने छह पॉइंट छह जीरो पे छह जीरो बोनस का प्रयास ले रहे पकड़ लिएगा तो सातवा पॉइंट अर्जित करता हुआ सारनाथ और इसी के साथ शुरुआती दो मिनट का नहीं अनिश यादव गाजीपुर का सबसे शानदार रेडर इस समय अनिश रेड करता हुआ पहला रेड है ये पहले लीग मैच के पहले अपने गाजीपुर के मैच का पहला रेड कर रहा है। अब तक वाराणसी ने शानदार खेल दिखाया लेकिन इसके बाद जबरदस्त गाजीपुर जर्सी की जबरदस्त लीड बना ली है। शुरुआती दो मिनट में लगभग 10 पॉइंट की लीड 10-0 है इसको। एक बार पुनः अनिश अनिश को मैं जानता हूँ आप किसी को पढ़ाने देंगे ही नहीं ये खिलाड़ी है ये जबाद है बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट का प्रयास था अनिश के द्वारा। अनिश जबरदस्त प्रयास बोनस पॉइंट तो गाजीपुर का खाता खोलता हुआ इस बोनस के मदद से। एक बार पुनः सारनाथ की तरफ से रनिंग कैचिंग और साथ कामयाब भी हो गए हैं एक और पॉइंट आता हुआ सारनाथ के खाते में। और इस एक बार पुनः लगातार रेडिंग का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए गाजीपुर की तरफ से 12 नंबर की जर्सी लावनी एक बार पुनः बोनस का प्रयास और इस बार बैक एंकल होल्ड का बोनस प्लस वन तो दो पॉइंट और अनिश के खाते में और उनकी टीम के खाते में बढ़ता हुआ इसको 3-11। वाराणसी की टीम अगर इस मैच को जीतती है अनिश लगातार रेड करे बहुत ही स्टेमिना है इस खिलाड़ी में ये खिलाड़ी गाजीपुर को अकेले अपने कंधों पे और यहाँ टच कर दिया है। अब धीरे धीरे गाजीपुर की वापसी का क्या ये संकेत है चौथा अंक लाया है लगातार मंत्रकार है। एक और पॉइंट आ चुका है सारनाथ के खाते में और इस बार शायद पकड़ लिए गए शानदार एंकल होल्ड का नजारा अच्छा लगता हुआ फील्डिंग बड़ा शानदार हो रही है सारनाथ वाराणसी की सोचना पड़ेगा गाजीपुर को वरना ये मजाक मजाक में दो अंक गवा चुकेगी। बहुत बढ़िया अब एक बार पुनः 10 नंबर की जर्सी में लंबे कट का रेडर सारनाथ के पाले में राइट टू लेफ्ट रेडिंग करता हुआ बोनस का प्रयास लेकिन बोनस नहीं थोड़ी सी दिख रही है मुझे गाजीपुर भीम को कुछ करना होगा अगर गाजीपुर को बने रहना है तो भीम को कुछ करना होगा थोड़ा फील्डिंग को सजाना होगा
थोड़ा फील्डिंग में भीम को अपने साथ ही खिलाड़ियों से बात करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। ये अनुज राय है, पांच और 13 का स्कोर है। बाहरी लोग ना बोले प्लीज। अरे डू और डाई आकाश श्रृंगार कर दिया है सारनाथ वाराणसी ने। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गाजीपुर को तो चारों खाने चीत कर दिया है, लेकिन गाजीपुर वापसी का रास्ता तलाश रही है। वो कौन सा खिलाड़ी होगा गाजीपुर का जो वापसी का रास्ता तलाशेगा, क्योंकि अमन कनौजिया अभी रेड नहीं कर रहे हैं। ये राय है जो टीम के कैप्टन ने एक रन किया था और एक अंक ले लिया। भैया दर्शक थोड़ा संयम यार, थोड़ा प्लीज, थोड़ा संयम बरते प्लीज। एक छोटा सा मेरे भाई मोबाइल में कैद कर रहा है इस पूरे मैच को, शायद मैच को देख के वो कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा। और ये अनीस है, गाजीपुर जिले के किसी कोने में खेलने जाए अनीस, टच है, हाँ टच है, शायद किक में से लगा था, जानते हैं। सारनाथ की टीम थोड़ी सी हड़बड़ाई सी है, थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। दो मिनटों में गाजीपुर को ऑल आउट करने के बाद अभी भी फिर उसको वापसी कराया है। कोई सोच नहीं सकता कि अब वही सारनाथ है जो पहला मैच खेल रही थी अपना। यार गाजीपुर के नाको चने किक कर दिया अनिस, अरे भैया तो सबके हो गए। तीन अंक लिया है गाजीपुर, तेजी से जो बढ़ा थी उसको पाटते हुए 13 और 14 का स्कोर अभी भी बढ़ा था। सारनाथ वाराणसी के पास अभी भी बढ़ा था और यहां से वाराणसी, मुझे जहां तक लगता है वाराणसी इस मैच में 2 अंक प्राप्त करेगी। निर्णायक है इस मैच के बाद ग्रुप ए का अगला मैच खेला जाएगा, आजमगढ़ वर्सेज आरएम एकेडमी। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा आजमगढ़ वर्सेज आरएम एकेडमी के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। धड़कनों को रोक देने वाला मुकाबला और यहाँ पकड़ा गया का दोनों तरफ कैप्टन अभी भी बढ़त में है। बोला जाए अजय बोलो तो मतदाता के बाद पहले रहे साहब के द्वारा 10 नंबर की जर्सी में बोनस का प्रयास। दो बार बोनस का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं, तो भी इसको सारनाथ के पक्ष में 15-14 7 नंबर की जर्सी और शायद काफी अग्रेसिव खिलाड़ी थे। अनीस सुपर स्टार रेडर गाजीपुर स्कोर करके 16। अजय भैया मैं बता दूं ये जो अनुज राय है अमन कनौजिया और अनीस, एक समय था एक साल पहले ये तीन टीम खेलना करती थी, इंग्लिश स्कूल देवनिया और
गाजीपुर। आज जब गाजीपुर के तीन बेस्ट रेडर एक टीम में खेल रहे हैं और साथ साथ वाराणसी ने जो शुरुआत दिलाई है ना, काबिले तारीफ कही जाएगी। जैसी शुरुआत एक बैक फुट पे भेज दिया था एक समय से, बहुत ही ताजा बता रहे हैं कि अगर तीन सुपर स्टार रहेगा एक टीम में दो मिनट के अंदर आउट होगा तो ये 15-14 सारनाथ वापसी करती हुई जबरदस्त सफल नहीं होता है, लेकिन प्रयास के 100 नंबर मिलेंगे। मार्केट 12 नंबर की जर्सी में कंगारू जर्सी यादव, अनिल यादव जब जाते हैं तो कोई ऐसा समय अगर इनको पूरी रेड करने का अगर मौका मिले पूरी टीम का, अगर अनु जो नहीं होते अमन नहीं होते बारे पड़ रही है। कहीं ना कहीं अगर सारनाथ को अगर अंतिम क्षणों तक धैर्य नहीं बनाया तो जो अमन और अनीस और अनुज की जोड़ी है ना, कहीं ना कहीं सारनाथ को अंतिम समय में भारी पड़ेगी। लेकिन सारनाथ का आत्मविश्वास सर चढ़ के बोल रहा है, टो टच की जबरदस्त अपील और टो टच में कामयाब भी हुए और एक और पॉइंट लेकर गाजीपुर 16 में छोटे लाल राजभर जी का सिकमार यादव मामा जी अंगवस्त्र के साथ सम्मान करते हुए और आगे उस कड़ी में मैं मामा से अनुरोध करूंगा कि बड़े भाई संतोष यादव जी जो जहराबाद के विधायक और मंत्री कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजदूत जी के एज ए प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है अंगवस्त्र के साथ मामा उनका सम्मान करते हुए। बोनस का कई बार प्रयास किया गया 10 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा ब्लू एंड आई का जो भोटू बज रहा है खिलाड़ी समझ जा रहा है, बहुत ही अच्छे पॉइंट लेके आएंगे या देख आएंगे और देकर आया है एक और पॉइंट 18-17 केवल एक पॉइंट का अंतर। तो जो एक बार मध्यांतर के बाद सारनाथ ऊपर चढ़ी थी और धीरे धीरे डाउन होती हुई, लेकिन एक बार पुनः अनीश पांच खिलाड़ी हैं तो बोनस आप है रनिंग टच के प्रयास, लेकिन उनके इस प्रयास को विफल पूरा मारदा सारनाथ के खिलाड़ियों के द्वारा 6 नंबर की जर्सी में। और मैं अपने अभिभावक के लिए राजकुमार जी बड़े भाई राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो आर्मी के भूतपूर्व जवान भी हैं तो उनका अंगवस्त्र लेके सम्मान करते हुए सुकुमार यादव मामा लास्ट के पांच मिनट के खेल शुरू हो चुके हैं। ब्लू एंड आई है, देखना यह है कि 12 नंबर की जर्सी ओहो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेडी एक बार पुनः 6 नंबर की जर्सी में हमारे बीच में शर्मा के वो पहलवान जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं अपना, क्या नाम है आपका? इटौरा के श्री जयप्रकाश सिंह जी आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुबह आपसे हमारी चौराहे पे मुलाकात हुई थी मुलायम के साथ में, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं मैच का शोभा बढ़ाने और बहुत ही दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल का परिचय दिया, चाहे दो अंक जो भी टीम ले जाए लेकिन दोनों टीमों ने अपने खेल से समा बांध दिया है। क्या जबरदस्त घेराबंदी होती है और उस घेराबंदी को काटने का पूरा प्रयास, आप ना बोलिए
बारह नंबर का खिलाड़ी हमको ये जो पूरा क्रास होता है तब होता है उनको समझाइए तो सुना होता तो मामा होता नहीं बैठे अनपढ़ गवार नहीं बैठा है यहाँ वाराणसी को क्योंकि लीड ले चुकी है चार अंकों का अनुज राय अभी क्या होगा किसी को नहीं पता। दो अंक लेने की जीत है, दो अंक तीन अंकों का फासला है सारनाथ वाराणसी तीन अंकों के फासला में। अब दर्शकों से निवेदन है यहाँ बेईमानी नहीं होगा, संयम बरती है, ये खेल का आनंद करने दिखाने के लिए ही मतलब मैच कराया गया है आप सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, कोई किसी के घर की टीम नहीं है। बाहर से ना बोले प्लीज, ये अंकित है, अमीश है, बोनस अंक चुराया है और फासला को कम किया है, 20 हो गया, 19 हो गया, 19 और 21। शेष समय एक मिनट। ये दो अंक लेने की जीत है, एक अंक और लाया है, मात्र एक अंक बचा है, ताली बजाइए, जोरदार मुकाबला। ये क्या है, डू और डाई रे, कुछ ना कुछ होने वाला है। और इस मुकाबले के बाद आजमगढ़ बराबर आर्य बटेंगे ग्रुप ए का मुकाबला, और ये बहुत ही शानदार बराबरी आजमगढ़ का नाम आर्य बटेंगे, दोनों टीम में तैयार रहेंगे। दर्शकों में सुबुबाहट की क्या होगा, क्या होगा, दोनों टीमों को एक एक अंक दे दीजिएगा, कहा के साथ दोनों टीम को एक एक अंक दे दीजिए।